back to this YouTube channel. This is Shreya going with the chapter number 13 of class 9th SNCRT, that is surface areas and volumes. So this is the introduction video of this chapter, and in this chapter we are going to discuss about the surface areas and the volumes. So let's start by the name of the chapter. So what is surface area and what is volume? So surface area basically kya hota hai, kisi bhi is dono words ko agar hum samjhe to surface matlab kya ho gaya, koi bhi ek surface uska area matlab hamare hum is chapter mein basically discuss karne wale hain three dimensional shapes ko, jaise ki cube, cuboid, cylinder, cone, etc. सो हम उन सबको डिस्कस करने वाले हैं और उन्हीं का हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालेंगे. सो बेसिकली सरफेस एरिया होता क्या है, किसी भी सरफेस पे वो थ्री शेप कितना भी एरिया ऑक्यूपाई कर रही है, दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ दैट स्ट्रक्चर. नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम, सो वॉल्यूम से हम फेमिलियर हैं. वॉल्यूम इज टर्म्ड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, सॉरी द कैपेसिटी ऑफ एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, दैट्स नॉट द केमिस्ट्री, इट्स मैथमेटिक्स. ओके, सो वॉल्यूम्स क्या हो गई, वॉल्यूम होता है किसी भी जो स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किए ना अभी, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन वगैरह वगैरह. सो इन सब के अंदर हम कितना लिक्विड, कितना एयर, कितनी गैस, जब उसमें ऑक्यूपेशन की बात आ जाए कि वो कितनी चीज़ें कंबाइन कर सकती है या फिर कंटेन कर सकती है, तो वो हो जाता है उसका वॉल्यूम. सो ये तो हो गए हमारे चैप्टर के बेसिकली नेम जिनसे आप लोग पहले से फेमिलियर थे. नाउ इन दिस होल चैप्टर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द लेटरल सर्फेस एरिया, द टोटल सर्फेस एरिया एंड द वॉल्यूम. तो ये तीनों पॉइंट्स को हम देख लें. तो लेटरल सर्फेस एरिया क्या होता है, जिसको हम कर्व्ड सर्फेस एरिया भी कहते हैं, दैट इज द लेटरल स्लैश कर्व्ड सर्फेस एरिया, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, सी एस ए. ठीक है, तो कर्व्ड सर्फेस एरिया या लेटरल सर्फेस एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ फोर साइड्स, मतलब जैसे कि अगर हम क्यूब की बात करें तो एक क्यूब में सिक्स साइड्स होती हैं. सो जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो सिर्फ होता है उसका बेस और टॉप को छोड़ के, जो उसका कर्व चीज दिख रही है हमें, या फिर जो क्यूब में फोर साइड्स हो गई, क्यूबॉइड में भी फोर साइड्स हो गई, और जो कोन होता है, कोन के ऊपर वाला जो पार्ट हो गया, जो एरिया जो कर्व्ड हो जाता है, जो ऊपर से ऐसे टिल्टेड हो जाता है और नीचे का बेस स्किप कर देते हैं, सिर्फ हम उसका कर्व एरिया ही इसमें मेंशन करते हैं. तो इसमें फॉर्मूला हमारे कर्व सरफेस एरिया के भी होते हैं और लेट और टोटल सरफेस एरिया के भी होते हैं. नेक्स्ट इज टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम शॉर्ट में TSA लिखते हैं. सो टोटल सरफेस एरिया भी, इनके भी अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, हम सबका डेरिवेशन देखेंगे और लर्निंग मैथड्स भी सीख लेंगे. ओके, सो CSA हो गया, TSA हो गया, नाउ द वॉल्यूम. सो वॉल्यूम से हम फेमिलियर हो गए हैं कि वॉल्यूम क्या होती है, कैपेसिटी होती है. सो वॉल्यूम को हम वॉल्यूम्स ही मेंशन करते हैं, देयर इज नॉट नो एनी काइंड ऑफ शॉर्ट फॉर्म्स फॉर वॉल्यूम. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट शेप, दैट इज द क्यूब. सो क्यूब इज अ स्ट्रक्चर, इट इज ऑल्सो अ थ्री डायमेंशनल फिगर दैट इज मेड अप ऑफ सिक्स स्क्वायर्स. मतलब हम सिक्स स्क्वायर्स को जिस टाइप से हम फिट करते जाएं, मतलब वन स्क्वायर, टू, थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स, तो वो जो फिगर फॉर्म होगी दैट इज नोन एज अ क्यूब. सो क्यूब में क्या होते हैं, बेसिकली स्क्वायर्स होते हैं. तो अब हम क्यूब के CSA की बात करें, यानी कि कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि एक क्यूब होता है तो उसके हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें, यानी कि टॉप और बॉटम स्किप करके. तो जब हम टॉप और बॉटम को स्किप कर देंगे तो कितने स्क्वायर्स बचेंगे, फोर स्क्वायर्स बचेंगे. और एरिया ऑफ वन स्क्वायर कितना होता है, मतलब हमसे अगर स्क्वायर का एरिया अगर मैं आपसे पूछूं तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड टू साइड, या फिर हम उसको ए का स्क्वायर भी कहते हैं. ए स्क्वायर होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर होता है. तो जब हम CSA की बात कर रहे होते हैं कर्व सरफेस एरिया की, जिसमें चार स्क्वायर्स आते हैं और अगर हम उसका एरिया निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर नहीं, यहाँ पे चार स्क्वायर्स हो रहे हैं. अगर अगर एक स्क्वायर का एरिया इतना है तो चार स्क्वायर्स का कितना होगा, सिंपल है, फोर ए स्क्वायर, है ना. सो यही हमारा होता है CSA, दैट इज फोर ए स्क्वायर. तो इससे आपको इतना आइडिया लग गया होगा कि अगर CSA फोर ए स्क्वायर है क्योंकि उसमें फोर स्क्वायर्स थे, तो अगर फिर इसका TSA कितना हो जाना चाहिए, सिक्स ए स्क्वायर, क्योंकि हम उसमें टॉप और बॉटम भी इंक्लूड करने वाले हैं. एंड टॉप एंड बॉटम को इंक्लूड करके टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे, सिक्स. सो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था कि इसका जो TSA होगा वो हो जाएगा सिक्स ए स्क्वायर. तो ये बात हो गई इसकी CSA और TSA की. नाउ लेट्स कम टू द वॉल्यूम. सो नाउ वॉल्यूम,
वॉल्यूम में क्या होता है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी, या फिर हम उसमें कितनी चीज़ें कंटेन कर सकते हैं उस स्ट्रक्चर में, वो होता है इसका वॉल्यूम। तो अगर हमें कोई क्यूब गिवन है, हम उसके अंदर कितना मटेरियल स्टोर कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी कितनी है, अगर हमें फाइंड करना हो तो उसका क्या फॉर्मूला होता है। जो वॉल्यूम का फॉर्मूला जो बेसिकली होता है वो होता है ए क्यूब। ए क्यूब क्यों होता है, यहाँ पे ए जो रिप्रेजेंट कर रही है वो साइड को रिप्रेजेंट कर रही है। जो ए क्यूब होता है क्योंकि एक इंटू ए इंटू ए, इसकी तीन साइड ले जाती है, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, यानी कि उसकी एक लेंथ, एक ब्रेथ और एक हाइट, इस टाइप से हम लेते हैं, तो उसका वॉल्यूम निकल के आता है, डैट इज द ए क्यूब। तो इन सारे फॉर्मूलेस को आपको बेसिकली याद करना है, जिससे क्या होगा आपको क्वेश्चंस करने में इजी रहेगा। सो दैट इज ऑल अबाउट द क्यूब। इसका सी एस सी हो गया, टी एस सी हो गया, एंड लास्ट टॉपिक हमने वॉल्यूम भी डिस्कस इसमें कर लिया है। नाउ लेट्स कम टू द अनदर स्ट्रक्चर, दैट इज द क्यूबॉइड। सो क्यूबॉइड क्या होता है, बेसिकली सिमिलरली लाइक अ क्यूब, इसमें भी क्या होती है, रेक्टेंगल्स होते हैं, नॉट स्क्वायर्स। तो ये जो क्यूबॉइड होता है ये छह रेक्टेंगल से मिलके फॉर्म होता है। तो ऑफ कोर्स इसके सीएससी में हम इसके सिर्फ फोर रेक्टेंगल्स को डिस्कस करेंगे, टीएससी में इसके सिक्स के सिक्स रेक्टेंगल्स इंक्लूड करेंगे, और वॉल्यूम का इसका फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली जब सबसे पहले हम इसके सीएससी की बात करते हैं, यानी कि कर्व सरफेस एरिया की, तो कर्व सरफेस एरिया को देखें तो उसमें हमें लेने हैं चार रेक्टेंगल्स। हर एक रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, जिसमें लेंथ और ब्रेथ गिवन होती है। लेकिन अगर हम देखें तो इस रेक्टेंगल में आप अपने रूम के डायमेंशंस को देखो तो वहाँ पे क्या होगा, फोर वॉल्स जब हम देते हैं तो फोर वॉल्स में सब में हमारे सिर्फ लेंथ और ब्रेथ नहीं आती है, काफ़ी ज़्यादा में क्या आती है, दो में हमारी हाइट आएगी और दो में हमारी ब्रेथ आएगी, बाकी लेंथ सब में रहने वाली है। सो अब हम इसको कैसे देखेंगे, जैसे इसमें है तो ये इसकी हो जाएगी हाइट, और जो ये ऊपर वाला जो रेक्टेंगल है, जो टॉप फ्लोर पे जो हमारा रेक्टेंगल होता है, उस रेक्टेंगल में क्या होती है, लेंथ और ब्रेथ होती हैं। और जो ये वाले रेक्टेंगल्स होते हैं इनमें हम हाइट कंप्यूट करते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेट डायमेंशन में रखे हुए हैं। तो यहाँ पे जब आप ध्यान से नोटिस करोगे, क्लोज लुक लेने पर हमें इतना पता चलेगा कि इसमें जो दो रेक्टेंगल्स होते हैं उसमें क्या क्या हो जाएंगी। देखो तो ये हो गई ऊपर वाला जो रेक्टेंगल है टॉप वाला, उसमें क्या है, ये क्या हो गया उसकी लेंथ, ये क्या हो जाएगी उसकी लेंथ, ये होगा उसका ब्रेथ और ये होगी उसकी ब्रेथ। ओके, ये हम अपने टॉप रूफ वाले रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। सब में क्या हो जाएंगी, दो लेंथ हो जाएंगी, दो ब्रेथ हो जाएंगी। और जो नीचे नीचे वाले रेक्टेंगल्स हैं, इन सब में क्या होने वाली है, हाइट होने वाली है। इस वाले रेक्टेंगल में भी एक हाइट होगी, इसमें भी क्या होगी, एक हाइट होगी, उधर वाले रेक्टेंगल में भी हाइट होगी और इधर वाले में भी एक हाइट हो जाएगी। तो अगर हम इस रेक्टेंगल को देखें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। सो लेंथ तो एल है यहाँ पे, लेकिन जो ब्रेथ है वो कितनी हो गई है, एच हो गई है। और सिमिलरली ऐसे हमारे पास दो रेक्टेंगल्स हैं, और जो एक और टाइप का रेक्टेंगल है उसमें हमारी लेंथ कितनी हो गई है, बी, और ब्रेथ कितनी हो गई है, एच। और सिमिलरली ऐसे हमारे पास दो रेक्टेंगल्स हैं, तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास है टू एल एच, यानी कि एल एच दो टाइम्स है तो हमने उनको टू ले लिया, प्लस टू बी एच, ये हमारे पास। अब हम क्या कर सकते हैं, इनमें से कुछ चीज़ें कॉमन ले सकते हैं, 2H और 2H दोनों में कॉमन है, सो 2H कॉमन ले लेंगे, L प्लस बी। सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ सी एस ए। इसको और ज़्यादा मॉडिफिकेशन के साथ हम बुक में आप मेंशन देखोगे तो वो होगा 2L प्लस बी तो यही रहेगा, लेकिन H को बस हम लास्ट में शिफ्ट कर देंगे, देयर विल बी नो डिफरेंस इन द इक्वेशन। इक्वेशन हमारी वही रहेगी, एप्लीकेबल भी होगी, लेकिन बस डिफरेंस इतना आ जाता है कि हमने H को पीछे ले रखा है, दैट्स नो मैटर। ओके, नाउ TSA, अब TSA की बात कर रहे हैं तो हम इसके सिक्स की सिक्स साइड्स लेंगे। सो टॉप वाली मिलेंगे, अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास 2LH और 2BH कौन सी होंगी, ये चारों साइड्स, यानी कि 2LH प्लस 2BH, ये होगी इसकी चार साइड्स। अब जो टॉप एंड बॉटम बचा, टॉप एंड बॉटम में क्या मिलेगा आपको, मैंने आपको जैसे भी डिस्कस किया हमने कि ये दोनों लेंथ है और ये दोनों ब्रेथ है, यानी कि जो टॉप वाला रेक्टेंगल है और जो बॉटम वाला रेक्टेंगल है दोनों में L और B ही है, तो इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2LB। अब हम इसमें से कुछ चीज़ें कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन क्या क्या मिल रहा है, हम देखें यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही कॉमन है, तीनों में सिर्फ 2 कॉमन है, तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे, 2LH प्लस BH प्लस LB। इसी को हम थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन के साथ लिख दें बुक के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो वो फॉर्मूला कैसा होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। सो सिमिलरली लाइक दिस इक्वेशन, ये भी इक्वेशन ऐसी मैटर नहीं करती है, अगर हम ऐसे भी पुट करेंगे तो हमारा आंसर करेक्ट आएगा। नाउ द लास्ट वन इज वॉल्यूम। तो क्यूब के वॉल्यूम में हमने किया था साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो हो गया था वो साइड का क्यूब, यानी कि A का क्यूब। अब इसमें भी अगर हम तीनों साइड्स का क्या कर लें, मल्टीप्लीकेशन कर लें, तो डैट इज भी तीनों साइड्स कितनी है, L इंटू B इंटू H, डैट इज विल बी इक्वल टू LBH। सो LBH क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ Q।
क्यूबॉइड. सो ये हो गए हमारे क्यूब एंड क्यूबॉइड. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट शेप, दैट इज द सिलेंडर. सो नाउ सिलेंडर कैसा होता है? सिलेंडर इज समथिंग लाइक दिस, जिसमें एक रेडियस होती है बेस की और एक हाइट हमें गिवन होती है. सो सिलेंडर जो बेसिकली फॉर्म होता है, फॉर्म कैसे होता है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है. सो जो सिलेंडर बेसिकली फॉर्म होता है वो होता है एक रेक्टेंगल से. सो लेट्स डू अ प्रैक्टिकल. सो हियर यू कैन सी दिस इज अ रेक्टेंगुलर शेप शीट. सो जो शीट है दैट इज समथिंग रेक्टेंगुलर लाइक. और अगर मैं इस रेक्टेंगुलर को इसके लेंथ के अलॉन्ग, इसके ब्रेथ के अलॉन्ग सॉरी ट्विस्ट कर दूँ समथिंग लाइक दिस, तो इसका जो फॉर्मेशन रहेगा वो एक सिलेंड्रिकल शेप में हो जाएगा, जिसके ऊपर और नीचे दो बेस उठाएंगे और ये होगा इसका सी एस ए. सो ये हमारा जो सिलेंडर फॉर्म हो रहा है वो कैसे फॉर्म हो रहा है, एक रेक्टेंगल की हेल्प से हो रहा है. सो ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में हमने जस्ट अभी डिस्कस किया कि एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है. बट इस रेक्टेंगल में अगर हमें लेंथ लेनी हो तो हम लेंथ क्या एज्यूम करेंगे, इसकी लेंथ हम लेंगे 2πr. और क्यों लेंगे, इसका भी रीज़न है मेरे पास. सो ये लेंथ हमने ले ली इसकी 2πr और इसकी जो ब्रेथ लेनी है वो हमें लेनी है h. h लेनी है मीन्स हाइट. अभी जो 2πr वाला केस था ये क्या हो गया, सो जो इसमें हमने 2πr लिया, किसको लिया, इसकी लेंथ को लिया. क्यों लिया, क्योंकि जब हम इसको इसके हाइट के अलॉन्ग रोटेट कर रहे थे तो ये क्या फॉर्म हो रहा था, एक सिलेंड्रिकल शेप, जिसके टॉप और बॉटम में क्या फॉर्म हो रहे थे, दो सर्कल्स फॉर्म हो रहे थे. और अगर इन सर्कल्स का मैं पैरीमीटर निकालूं, जिसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं, तो वो क्या होता है, 2πr. सो एक तरह से क्या हो रहा है कि जो रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो कन्वर्ट हो जा रही है ऊपर वाले सर्कल के पैरीमीटर में. सो ये यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि हमने इसकी लेंथ को 2πr अज्यूम किया. क्यों किया, क्योंकि ये रोटेट करे जाने पर क्या फॉर्म हो जा रहा है, ये सर्कल का सर्कमफेरेंस फॉर्म हो जा रहा है. सो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू 2πr. तो हमने लेंथ को यहाँ 2πr एज्यूम कर ली. अब इस रेक्टेंगल वाले एग्जांपल का यहाँ से क्या सेंस था कि जो 2πr है और जो h है, सो 2πr h यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला निकल के आता है. मतलब मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल था और रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी. जब हम रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं तो एल इंटू बी होता है. सो जहाँ पे हमारी लेंथ क्या है, 2πr, और ब्रेथ क्या है, h. तो हम अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 2πrh. एंड 2πrh क्या होता है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर. यही था इसके पीछे का रीज़न कि हमने एक्टिविटी परफॉर्म की, जिससे क्या हुआ, हमने यहाँ पे इसका सी एस ए फाइंड कर लिया. सो दैट इज ऑल अबाउट द सी एस ए ऑफ सिलेंडर. आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट हियर. नाउ नेक्स्ट है इसका टी एस ए, यानी कि टोटल सरफेस एरिया. अभी तक हमने इसका फाइंड किया कि जो इसका सी एस ए था, यानी कि सिर्फ इसका कर्व एरिया जो था, जो सिर्फ इसका कर्व वाला एरिया था, उसका एरिया निकल के आ गया 2πrh. अब हमें इसका अगर टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो टोटल में क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप एंड बॉटम. टॉप एंड बॉटम को भी हम इसमें ऐड करेंगे. सो अगर हम एक तरह से देखें, हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे एरिया, तो इसका जो टॉप है और जो इसका बॉटम है वो एक सर्कुलर शेप है. और सर्कल का एरिया हमें पता है क्या होता है, πr स्क्वायर. और यहाँ पे कितने πr स्क्वायर हैं, 2πr स्क्वायर हैं, क्योंकि एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला. सो अगर हम इसके सी एस ए को और दोनों सर्कल्स के एरिया को ऐड कर दें तो जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा वो हमारा हो जाएगा इसका टी एस ए, यानी कि टोटल सरफेस एरिया. तो इसका सी एस ए क्या था, 2πrh, प्लस करेंगे हम इसमें 1πr स्क्वायर और 2πr स्क्वायर, यानी कि टोटल कितने हो गए, 2. सो प्लस 2πr स्क्वायर. πr स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, और कितने सर्कल्स हैं, 2 हैं. तो हमने इसके सी एस ए को भी कवर कर लिया और टॉप एंड बॉटम को भी कवर कर लिया. अब ये ऐड कैसे होंगे, ऐड करने की नीड नहीं है, हम इसमें से क्या ले सकते हैं, कॉमन. तो कॉमन क्या दिख रहा है, 2πr, दोनों में कॉमन है. सो 2πr, अब यहाँ पे क्या बचा, h प्लस, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, r रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे r का स्क्वायर था तो एक r बाहर चला गया, तो अंदर क्या रह जाएगा, एक और r रह जाएगा. तो ये होता है हमारा टी एस ए ऑफ सिलेंडर्स. काफ़ी इजी मेथड से हम इनको एक्टिविटी परफॉर्म करके सिमिलरली लर्न करेंगे सबके एरियाज एंड वॉल्यूम्स को. नाउ इट कम टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सो अगर मेरे पास एक सिलेंड्रिकल टैंक है या वॉट एवर एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, अगर मुझे उसमें वाटर फिल करना है, तो जब मैं पानी इसमें फिल करना शुरू करूँगी तो सबसे पहले जो पानी एरिया कवर करेगा वो किसका करेगा, उसके बेस का करेगा. यानी कि सबसे पहले वो वाटर उसके बेस पे जाएगा, यानी कि उस सर्कल पे जाएगा. उसके बाद वो वाटर उसके हाइट के अलॉन्ग बढ़ता चला जाएगा, उसी सर्कल पे फॉर्म हो रहा है, प्लस उसकी हाइट जो है वो इंक्रीज होती जा रही है. तो इसका मतलब क्या निकलता है कि इसका जो वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नीचे वाले सर्कल के एरिया पे प्लस उसके हाइट पे. सो बेस इंटू हाइट इसका वॉल्यूम है. तो इसका बेस क्या है, सर्कल है, उसका एरिया कितना होता है, πr स्क्वायर.
हमें पता है। उसके बाद उसकी हाइट कितनी है, एच। सो एच को हम इसके साथ मल्टीप्लाई में ले आएंगे तो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एच, जो होता है हमारे सिलेंडर का एरिया। सो नाउ इट इज ऑल अबाउट द सिलेंडर, नाउ लेट्स कम टू द अनदर शेप दैट इज द कोन। सो कोन एक ऐसा शेप है जिसको हम फेमिलियर हैं कि कोन क्या होता है, बेस उसका सर्कुलर होता है और ऊपर से एक ट्राइंगल फॉर्म होता है। और कोन को फॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, जैसे कि हम सिलेंडर को एक रेक्टेंगल से फॉर्म कर रहे थे, सिमिलरली एक कोन जो होता है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल से फॉर्म हो जाता है। एक राइट एंगल ट्राइंगल को अगर हम उसके एक एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करेंगे तो वो एक कोन फॉर्म करेगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जो कोन होता है वो तो हमारे रेक्टेंगल से भी फॉर्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल द सेम शीट इज हेयर, अगर मैं इसको एक एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर दूँ तो ये कैसा शेप देगा, एक कॉनिकल शेप देगा। बट जो यहाँ पे प्रॉब्लम है वो ये है कि इसके इस एक्स्ट्रा पार्ट की जो राइट एंगल ट्रायंगल में रिमेनिंग नहीं रह जाएगा। सो राइट एंगल ट्रायंगल से हमारा कोन फॉर्म होता है, नॉट फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर। सो यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद इसके सी एस ए, टी एस ए और वॉल्यूम को पढ़ने से पहले यहाँ पे जो एक नया टर्म आपको देखने को मिला होगा वो था आर रेडियस, एच हाइट, और जो तीसरा टर्म था वो था कुछ एल जिसको हम स्लांट हाइट कहते हैं। सबसे पहले आपको स्लांट हाइट पढ़नी पड़ेगी। सो जो कोन होता है बेसिकली उस कोन में दो तरह से आप उसकी हाइट मेजर कर सकते हो। अगर आपके पास कोई कॉनिकल चीज़ है तो या तो आपके पास एक चीज़, एक तरीका क्या हो सकता है कि आप उसको बिल्कुल स्ट्रेट रख के उसकी हाइट मेजर करो तो उसको तो हम हाइट ही प्रोनाउंस करेंगे। लेकिन अगर हम उस सेम कोन का जो हाइट है वो अगर उसके इस एक्सिस के अलॉन्ग मेजर करेंगे, इस टिल्टेड लाइन के अलॉन्ग मेजर करेंगे तो हम उसको फिर नाम दे देते हैं स्लांट हाइट। सो स्लांट हाइट यहाँ पे आपको बिल्कुल नई चीज़ मिली होगी, डैट इज स्लांट हाइट। तो अब आपको क्वेश्चंस जो आएंगे इसका सी एस ए, टी एस ए या वॉल्यूम फाइंड करने के, उसमें आपको सबसे पहले स्लांट हाइट निकालनी होगी। सो अभी स्लांट हाइट कैसे निकलेगी, एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आप इस शेप को देखो, ये एच, ये रेडियस और ये एल, तो ये क्या फॉर्म हो रहा है, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। आई होप यू कैन सी दैट कि ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, है ना। तो इसमें अगर हम देखें इसको, हम यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे स्लांट हाइट को फाइंड करने के लिए, उससे एक फॉर्मूला जनरेट भी कर लेंगे। सो यहाँ पे इस ट्रायंगल में इसका बेस क्या है, आर, इसके परपेंडिकुलर क्या है, एच, और जो इसमें हाइपोटेनियस साइड है वो क्या है, एल है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, एल, यानी कि एल का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या है, एच का स्क्वायर प्लस बेस है आर का स्क्वायर। और ये जो फॉर्मूला हमारे पास आ गया वो है हमारा स्लांट हाइट फाइंड करने का फॉर्मूला। सिंपल मेथड था, आप इसमें ट्रायंगल को आपने ढूंढ के निकाला और उससे यहाँ पे एक फॉर्मूला जनरेट हुआ जिससे हम स्लांट हाइट फाइंड करेंगे। पहले इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, उसके बाद इधर वाला पोर्शन सॉल्व होने के बाद हम यहाँ से उसका अंडर रूट निकाल के स्लांट हाइट फाइंड कर लेंगे। थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है बट इट विल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, नाउ सी एस ए, सी एस ए क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। कोन का सी एस ए क्या होता है, जो ऊपर वाला पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है सिर्फ बेस को निकाल के। ओके, तो उसका जो सी एस ए होता है वो कैसे फॉर्म होता है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो हमने डिस्कस किया कि ये किससे फॉर्म होता है, कोन एक ट्राइंगल से फॉर्म होता है। और ट्राइंगल का सी एस ए क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला वाला नहीं, और सॉरी नॉट ट्राइंगल का सी एस ए, डैट इज द ट्राइंगल का एरिया क्या होता है। सो अभी जो हमने लास्ट चैप्टर में हीरोन्स फॉर्मूला डिस्कस किया था उसमें हीरोन्स फॉर्मूला वाला फॉर्मूला नहीं, जो ट्राइंगल का एरिया होता है बेसिकली वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। सो यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इस फॉर्मूले को हम देखते हैं, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब हम इस कोन की बात कर रहे हैं तो इसमें हाफ ले लेंगे हम, और इसका बेस क्या है, सर्कुलर है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसका बेस हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे क्योंकि हमें नीचे सर्कल गिवन है, तो उसका बेस कैसा है, सर्कुलर शेप का है। सो यहाँ पे हम सिर्फ सी एस ए की बात कर रहे हैं, टोटल सर्फेस एरिया की बात नहीं कर रहे हैं। तो सी एस ए में क्या इंक्लूड होगा, इसका पूरा एरिया इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ इसका ये जो पेरीमीटर वाला एरिया है सिर्फ वही इंक्लूड होगा क्योंकि हम सी एस ए की बात कर रहे हैं। तो बेस इसका सर्कुलर है और इसका इसका हमें सिर्फ पेरीमीटर लेना है। क्या होता है सर्कल का पेरीमीटर, दैट इज टू पाई आर, टू पाई आर प्लस एच क्या है यहाँ पे, जो कोन है उसमें उसकी हाइट क्या होती है, स्लांट हाइट, दैट इज दी एल, एल होती है, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगी नॉट एडिशन। ओके, सो एल हो गया। अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, पाई आर एल। एंड व्हाट इज दिस पाई आर एल, पाई आर एल जो है वो फॉर्मूला है हमारा सी एस ए ऑफ कोन का।
इंटरेस्टिंग इट इज. ओके नाउ ये क्या हो गया, हमने एक ट्रायंगल के फॉर्मूले से इसका एरिया फाइंड करके निकाल दिया, सी एस से निकाला है. नाउ इट्स ऑल अबाउट द सी एस एंड द स्लांट हाइट. यहाँ पे आपने दो फॉर्मूले इसको डिस्कस कर लिया है. नाउ इट्स टाइम फॉर द टी एस ए. अब इसका टोटल सर्फेस एरिया कैसा निकलेगा, जैसे कि हमने सिलेंडर का निकाला था, सी एस ए प्लस बेस. सो यहाँ पे हमें टॉप तो कुछ भी गिवन नहीं है, टॉप को भी हमने सी एस ए में इंक्लूड कर लिया. इसमें हमने क्या इंक्लूड नहीं किया था, वो था इसका बेस. तो हमें टी एस ए फाइंड करना है, तो उसका सी एस ए प्लस बेस. बेस क्या है, सर्कल है. अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सर्कल का एरिया चाहिए, डैट इज पाई आर स्क्वायर. अब हम इसमें से कॉमन निकालें चीज़ों को. सो पाई आर कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा एल प्लस आर. सो पाई आर एल प्लस आर क्या होता है हमारा, टी एस ए ऑफ कोन. सो दीज ऑल आर द डेरिवेशन टाइप्स दैट यू कैन दैट दैट विल हेल्प यू टू सॉर्ट आउट द फॉर्मूलाज. ओके नाउ अब जो कोन का वॉल्यूम है वो कैसे निकलता है. सो एक एक्सपेरिमेंट है आपके एन सी आर टी बुक में, डैट इज ऑल अबाउट द सिलेंडर एंड अ कोन. सो एक सिलेंडर है और एक कोन है. सो अगर हमें कोन से एक कोन में हमने कुछ कोई भी लिक्विड फिल किया, फॉर एग्जाम्पल वाटर फिल किया, और हम उस कोन से उस सिलेंडर को फिल कर रहे हैं, तो वो दोनों की हाइट जो होगी वो सेम होगी. ओके ये कंडीशन है कि दोनों की हाइट हमने सेम रखी है और हम उस कोन से उस सिलेंडर को फिल कर रहे हैं वाटर से, तो क्या होगा, हमने उसमें एक ऑब्जर्वेशन नोटिस की गई है कि उसमें जो कोन है उसमें जब हम 3 times वाटर फिल करके उस सिलेंडर में फिल कर रहे हैं, देन क्या हो रहा है, वो उसको पूरा तरह से फिल कर दे रहा है. मतलब पूरा फिल करके हमने कोन लिया और एक सिलेंडर में डालना शुरू किया, तो पहली बार में उसने इतना फिल कर दिया, सेकेंड टाइम हमने फिर कोन को फिल किया और फिर हमने सिलेंडर में पुट आउट किया, उसने फिर इतना फिल किया, एंड लास्ट टाइम में इस सिलेंडर को पूरा फिल कर दिया. सो ये क्या है, एक ऑब्जर्वेशन है जिसके बेसिस पे हम इतना बता सकते हैं कि जो कोन का वॉल्यूम होगा, यू हैव टू थिंक इट लाइक दिस, कि जो कोन का वॉल्यूम है वो कितना है, सिलेंडर के 1/3 है. तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, हमने अभी डिस्कस किया. और कितना टाइम से कोन का वॉल्यूम 1/3 times है. सो यही होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. सो आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ द कोन आल्सो. नाउ लेट्स कम टू द हेमिस्फीयर एंड स्फीयर, द लास्ट शेप्स ऑफ दिस. सो स्फीयर एंड हेमिस्फीयर. स्फीयर क्या होता है, बेसिकली एक 3D सर्कल होता है, और हेमिस्फीयर क्या होता है, स्फीयर का जस्ट आधा होता है. सो अब हम इसके सी एस ए टी एस ए और वॉल्यूम की बात करें, तो इनका कोई खास डेरिवेशन नहीं है, इनके ऊपर जस्ट कुछ एक्टिविटीज़ हैं आपके बुक में जिनको आप रीड कर सकते हो. बाय द वे आपके इनके फॉर्मूलेज जो हैं आपको इनके लर्न करने पड़ेंगे. नाउ तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्फेयर को. तो स्फेयर का सबसे पहला होता है सी एस ए. तो सी एस ए जो होता है वो स्फेयर का नहीं होता है. बेसिकली क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो स्फेयर है वो पूरा सर्कुलर शेप है, हम उसको सी एस ए फाइंड नहीं कर सकते. नाउ द क्वेश्चन विल बी ऑन माइंड भी लाइक कि हम उस स्फेयर के सिर्फ साइड में अगर हम कवर कर लें उसका सी एस ए होगा, बट वो कोई शेप फॉर्म नहीं हो रहा, तो हम सी एस ए नहीं लेते हैं स्फेयर का. स्फेयर का हमेशा क्या होता है, टी एस ए ही होता है. अब जो टोटल सर्फेस एरिया है स्फेयर का, उसको डिस्कस करने से पहले अगर हम एक्टिविटी देखें, मेरे पास अगर 4 circles हैं, कुछ कुछ सेम डायमीटर्स के 4 circles हैं, तो अगर मैं एक सर्कल ऐसे प्लेस करूँ, दूसरा सर्कल इस टाइप से, और तीसरा ऊपर और चौथा नीचे, और फिर हम उसको एक शेप फॉर्म कर दें, तो कैसा दिखेगा, कुछ एक स्फेयर दिखेगा, है ना. यू हैव टू जस्ट थिंक लाइक प्रैक्टिकली कि अगर हम 4 circles को टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट को हम ज्वाइन कर दें तो वो एक स्फेयर फॉर्म होगा. तो कितने सर्कल्स हमने यूज़ किए, 4 circles, और एक सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर होता है एक सर्कल का एरिया, तो 4 circles का कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज द टी एस ए ऑफ स्फेयर. वेरी सिंपल राइट. नाउ इट्स द टर्न ऑफ द वॉल्यूम. सो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब. ये आपको लर्न करना पड़ेगा, इसके लिए कोई खास डेरिवेशन गिवन नहीं है. इसमें जस्ट ये है कि अगर हमारे पास कोई भी एक वेसल है, हमने उसमें एक स्फेयर को डाला और उसमें पूरा फुल वाटर है, उसके बाद जब हम उसमें स्फेयर को डालेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें से कुछ वाटर क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, उससे बाहर गिरेगा, और वो जितना पानी बाहर गिरा है अगर हम उसका वॉल्यूम मेजर करेंगे तो वो इस फॉर्मूले को पुट करके अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका वॉल्यूम और उस पानी का वॉल्यूम सेम आएगा. इस टाइप से इसकी एक्टिविटी आपके बुक में गिवन है. देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ स्पेशल डेरिवेशन दैट आई कैन टेल यू. इसको आपको लर्न करना पड़ेगा. नाउ नेक्स्ट वन इज हेमिस्फीयर. सो हेमिस्फीयर का सी एस ए होता है. ऑब्वियसली बात है अगर हेमिस्फीयर कुछ इस टाइप का दिखता है लाइक दिस, तो उसका सी एस ए क्या होगा, नीचे वाला पोर्शन, और टी एस ए क्या हो जाएगा, ये जो ये वाला बेस है हम इसको भी अगर इंक्लूड कर लेंगे तो उसका टी एस ए फॉर्म हो जाएगा. तो सी एस ए क्या होता है सबसे पहले, तो हम यहाँ पे स्फेयर के हाफ की बात कर रहे हैं राइट. तो अगर टोटल सर्फेस एरिया जो है स्फेयर का
TSA क्या है, 4πr². तो अगर हम सेम हेमिस्फीयर की बात करें तो कितना होगा, इसका हाफ होगा, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 2πr². तो CSA ऑफ स्क्वायर कितना होता है, 2πr². यू हैव टू रिमेंबर दिस कि CSA नहीं होता है, इसका हाफ कितना होता है, इसका CSA होता है, TSA नहीं होता है कभी भी. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज टोटल सर्फेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. तो टोटल सर्फेस एरिया फाइंड करने के लिए बेस तो हमारे पास है, जो उसका CSA है वो है, और उसके बाद हमें उसमें एक सर्कल भी इंक्लूड करना है. सो 2πr² प्लस πr², यही इसका कुछ फॉर्मूला होता है. सो 2πr² और πr² कितना हो जाएगा, 3πr², और यही हमारा फॉर्मूला होता है TSA ऑफ हेमिस्फीयर का. नाउ द लास्ट वन इज वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. सो वॉल्यूम जो होगा हेमिस्फीयर का, एक स्फीयर है उसमें जितना पानी आएगा उसका अगर हम हाफ कर दें, फॉर एग्जाम्पल एक स्फीयर के अंदर 1 लीटर पानी आ रहा है, अगर मैं उसका हाफ कर दूँ तो फिर उसमें कितना आएगा, 500 ml आएगा. यानी कि इस ऑब्जर्वेशन से ये पता चलता है कि जो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है वो स्फीयर के हाफ होता है. तो सेम हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, हमें इसका हाफ कर देना है. तो कैसे होगा, 1/2 × 4/3 πr³. अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 = 4, सो क्या हो जाएगा, ये 2/3 πr³, और यही होता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. वी हैड डिस्कस सो मैनी शेप्स आउट देयर एंड विद देयर डेरिवेशन एंड सम प्रैक्टिकल एक्टिविटीज ऑल्सो. सो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो. फॉर मोर वीडियोज लाइक दैट यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. सो सी यू इन द नेक्स्ट.